प्रेज द लॉर्ड, आप सभी का यूथ कैंप 2020 आउट ऑफ द बॉक्स के तीसरे दिन में फर्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं। दो दिन हमने बहुत ही मजे किए, वचन से हमने बहुत कुछ सीखा और हमने बहुत आशीष पाई है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज फिर आप हमारे साथ जुड़े इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो आज का सेशन हम प्रार्थना के साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए हम हमारे आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन तू हमें यहाँ पे लाया है परमेश्वर, तेरे वचन से सीखने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर, लोगों के साथ संगति करने के लिए तूने हमें जोड़ा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आराधना में जाएंगे, वचन से सीखेंगे, तो हमारे दिलों को खोल पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवनों में काम कर, ऐसी हम प्रार्थना करते खुदा। हर एक चीज को तेरे हाथों में सौंपते, जहाँ से भी लोग हमारे साथ जुड़े प्रभु, उनको आशीष देना, तेरा वचन उन तक पहुँचने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते खुदा। एक और बार इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते, पिछले दो दिन तूने हमें चलाया, तेरे वचन से सिखाया, आराधना करने का मौका दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक चीज के लिए तेरा धन्यवाद। एक और बार इस दिन को तेरे हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप पिछले दो दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने वचन से सीखा, आराधना किया, हमने क्रेजी चैलेंजेस देखे, और आपने अगर घर पे ट्राई किया तो आपको सलूट, क्योंकि बहुत बहुत खतरनाक चैलेंजेस थे हमारे। लेकिन आज के दिन हमारा आखिरी दिन है और हमने बहुत सारी मजेदार और एक्साइटिंग चीजें प्लान की है आपके लिए। तो आज पूरे दिन भर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज सुबह की सभा है, उसके बाद हमारे पास 1 बजे एक और क्रेजी चैलेंज आ रहा है, उसके बाद 2 बजे हमारा एक सेशन है और 5 बजे हमारा एक स्पेशल सेशन है पैनल, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आपने ऑलरेडी सवाल आप हमें सबमिट कर चुके होंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने सवाल सबमिट नहीं किया तो आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप DM कर सकते हैं हमें, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं हमें कि आपके क्या सवाल है जो आपको हम 5 बजे जो पैनल सेशन होगा उसमें हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और 6:30 बजे हमारे वापस लास्ट सेशन होगा, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि प्रभु काम कर रहा है हमारे साथ और इस कैंप में प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया है और आज का आखिरी का दिन भी बहुत आशीषित होने वाला है। इसलिए अगर आपने अभी तक आपके फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया है तो करिए, और ताकि ये जो बच्चा आशीष का काम कार्य है जो कैंप, वो दूसरों तक भी पहुंच सके। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आराधना में जाएंगे, तो आप खुलकर सच्चाई और आत्मा के साथ आराधना करने की कोशिश करिए। आप घर पे हो सकते हैं, काम पर हो सकते हैं, कहीं पर भी हो, लेकिन आप आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे तो पवित्र आत्मा आप जहाँ पर भी है वहाँ पर काम करेगा। तो मैं अब वर्शिप टीम को बुलाऊंगी, वो हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के प्रेम को मनाने जा रहे हैं। कैसा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है तीसरे दिन उसकी महिमा और उसकी आराधना के लिए। आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा हम पूरे तन पूरे मन से, मुझे विश्वास है आप थके नहीं होंगे सुबह की आराधना के बाद, मिलकर परमेश्वर की महिमा हो, हो, हो। Hallelujah. Oh, Yeshua. Main hoon tera, Yeshu tu mera. Sara jahan mujhe tujh mein mila. Main hoon tera, Yeshu tu mera. सारा जहां मुझे तुझ में मिला, तू ही है जीवन है मेरी चाह, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत, तू ही है जीवन है मेरी चाह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं, बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह।
कोई नहीं। जब मैं कमजोर और टूटा हुआ था, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, तूने मेरा प्याला भरा। जब मैं था अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह। चाहूं तुझे पूरे दिल से, मेरे जैसा कोई नहीं। तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत, तू ही है जीवन मेरी चाह। तू मिला सब कुछ मैं मिला। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह। चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है से मेरे पसी। चाहूं तुझे पूरे दिल से, दिल जैसा कोई नहीं। तेरे बिना प्यार है जिसे मेरे पसी। चाहूं तुझे पूरे दिल से, दिल जैसा कोई नहीं। ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा, तूने मेरा प्याला भरा। जब मैं था अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार बेइंतहा तुझसे मेरे मसीह। चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह। चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ nothing is impossible through you, Lord, and we're gonna declare it now. Oh, nothing is impossible. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things.
Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. By what I see, I'm not gonna live by what I feel. Say it with me. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Since you gives me strength. Come on, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. विश्वास के बारे में सीखा है। ओ हालेलुया, आपका विश्वास ही परमेश्वर पे हर एक असंभव काम करवाने के लिए आपके लिए वो संभव है, संभव है। ओ, we're gonna sing this goodness of God। परमेश्वर की अच्छाई, वो हमारे साथ है, वो हमारे लिए विश्वास योग्य है। I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. Oh my Lord.
Yeah.
चाबी ओ तू है जहां ना कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी तुम सा कोई नहीं
समर्पण के साथ हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अंधेरों में तू रोशनी है, जहां हमें रास्ता नहीं दिखता वहां तू मार्ग बनता है परमेश्वर। हर एक टूटे दिल को खुदाबंद तू संभालता है, हर एक तन्हाइयों में प्रभु जी तू हमारा साथ देता है। तेरे जैसा कोई नहीं खुदाबंद, ये तूने हमें यकीन दिलाया है, इसके लिए प्रभु जी तेरा शुक्रगुजार हम करते हैं। तुम सा कोई नहीं खुदा, प्रभु जी हमें बना, हम प्रभु जी तेरी रचना है खुदा। उस मिट्टी के समान जैसे कुम्हार बार बार तोड़ता और बार बार बनाता है, तू हमें बना खुदा, तू हमें बना प्रभु जी। आगे के समय खुदावन आपके हुजूरी में रखते हैं प्रभु जी, आपके दास को बलवंत कीजिए, जो वचन हमारे अंदर हम सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं खुदावन, वो आगे चल के प्रभु जी हजार गुना प्रतिफल लाने पाए और दूसरों के लिए आशीष बनने पाए प्रभु जी। वो जी सारी बातें वो जी आपके प्रशंसा के लिए, आपकी महिमा के लिए होने पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर आराधना के लिए जो उसने हमें दिया। पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया होगा ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और अब हम वचन में जाएंगे, वचन सुनेंगे। तो आप जहाँ पर भी हैं, आपका पेन, पेंसिल, बाइबल, नोट्स जो भी आप लेकर बैठते हैं, आप तैयार बैठिए अपने घर पे, क्योंकि प्रभु आज आपसे बात करने जा रहा है। और आज हमारे बीच में वचन लेकर सुनील सर आने वाले हैं, जो फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज में एक लेक्चरर है, जो पहले जवानों के बीच में ICPF के साथ सेवा कर चुके हैं और जवानों के लिए बहुत ही सामर्थी और प्रैक्टिकल वचन वो बांटते हैं। तो आप जहाँ पर भी सुनकर ग्रहण कर उस पर चढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू आराधना दल हमें अगुवाई करने के लिए एक अच्छी आराधना के बीच में। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस समय के लिए, धन्यवाद करता हूं सारे FYM जो टीम है उनके लिए खासतौर से धन्यवाद देता हूं। ऑल राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग, फैंटास्टिक। तेरा जैसा कोई नहीं, देयर इज नोबडी लाइक जीसस, एंड वी आर सो एक्साइटेड and praising God because there is no one like Jesus Christ. सभी को जय मसीह की, हालेलुया। जहां कभी कहीं भी हो आप, चाहे आप छत पे हो, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आप पेड़ के नीचे हो या सोफा पे बैठे हो, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए। और परमेश्वर ने अब तक आपको चलाया है इसलिए धन्यवाद करते हैं, और आगे भी परमेश्वर आपको चलाएगा इसलिए हम परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम खासतौर से FYM की टीम, वर्शिप टीम, पास्टर्स ऑफ डिफरेंट चर्चेस, स्पेशली फिलाडेल्फिया चर्चेस, यूथ लीडर्स, संडे स्कूल टीचर्स, फैमिलीज, बुजुर्ग और बच्चे, सबको हम खास तौर से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा हम यहां तक पहुंचे हैं। आज आखिरी दिन है हमारे इस वर्चुअल यूथ कैंप का 2020। परमेश्वर ने अभी तक चलाया है और परमेश्वर हमें आगे भी चलाएगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। FYM के जो अगुवे हैं, जवान हैं, प्लानिंग टीम है, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विश्वव्यापी महामारी जो COVID-19 के मध्य में भी उन्होंने कुछ अलग सोचा और आपके सामने FYM का पहला वर्चुअल यूथ कैंप लेकर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं आपको खासतौर से बता दूं, इन सबको करने के लिए हमारे जवानों ने बहुत पापड़ बेले हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। आप हमारे जवानों के लिए प्रार्थना आगे भी जारी रखेंगे, इसके लिए मैं परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देता हूं। प्रभु हमें यहां तक लेकर आया है और आगे भी लेकर जाएगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम बहुमत हैं, परमेश्वर हमारे साथ है तो हम बहुमत हैं। हालांकि हम गिनती में कम है, हम अपने आप को किसी युद्ध कैंप तक सीमित ना रखें,
ठीक है, यूथ कैंप आज खत्म हो जाएगा, मगर फिर यीशु में और भी ज्यादा आपको बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में बढ़ना है। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे वर्चुअल यूथ कैंप का थीम है आउट ऑफ द बॉक्स। ये बहुत ही जाना माना एक फ्रेज है, आउट ऑफ द बॉक्स, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। 2003 में एक टीवी सीरीज होता था, उसका नाम था, जो बच्चों के लिए होता था, डिज्नी चैनल में आता था, उसका नाम था आउट ऑफ द बॉक्स। 2007 में एक म्यूजिक एल्बम निकला था, उसका नाम भी था आउट ऑफ द बॉक्स। एक पब्लिशिंग कंपनी है जो किताबें छापती है, उसका नाम है, ठीक बोला, आउट ऑफ द बॉक्स। और अब फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट ने, जवानों ने ये थीम लेकर आए हैं जिसका नाम है आउट ऑफ द बॉक्स। मगर भैया ये होता क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स होता क्या है, मैं बताता हूं होता क्या है। 20वीं सदी में एक विख्यात गणितज्ञ थे जिनका नाम था हेनरी ड्यूडनी। हेनरी ड्यूडनी एक लॉजिक गेम्स या पजल्स बनाते थे जिनको पहेलियां बोलते हैं। एक बार उन्होंने एक लॉजिक गेम बनाया जिसमें उन्होंने एक पेपर में 9 बिंदुएं रखी, 3 बिंदुएं ऐसी, उसके नीचे 3 बिंदुएं और, उसके नीचे और 3 बिंदुएं। और उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया और उन्होंने उससे ऐसे बोला कि ये एक लॉजिक गेम है, देखने में तो बहुत सिंपल लगता है और देखने में एक बॉक्स की समान लगता है, ये 3, 3 और 3, ऐसे 9 बिंदुएं लगाई। एक दिन ड्यूडनी ने एक व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि आपको ये पहेली सुलझानी है। वो कैसे? ड्यूडनी ने कहा कि आपको पेंसिल से सारे डॉट्स के ऊपर लाइन खींचना है, मगर शर्त यह है कि पेंसिल पेपर से उठना नहीं चाहिए और एक लाइन के ऊपर दोबारा लाइन नहीं खींचा जाना चाहिए। यह एक बहुत ही पेचीदा पजल है, आप जरा बाद में ट्राई करके देखना कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता। यह हो सकता है, मगर इसका उत्तर उसके अंदर नहीं है, इसका उत्तर उस बॉक्स के समान जो उन 9 बिंदी हैं उसके बाहर है। यह व्यक्ति बहुत देर से ट्राई कर रहा था मगर यह असफल रहा। तभी किसी ने उससे बोला, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अपने आप को उन 9 बिंदुओं में सीमित करके मत रखो, अपने आप को उन 9 बिंदी के बाहर से आप करके देखो तो आप ये जो पजल है इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब आंसर तो है बट आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो यही है आउट ऑफ द बॉक्स का, ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स का जन्म होता है और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति इनोवेटिव है, जो व्यक्ति इमेजिनेटिव है, जो व्यक्ति लोकल रहता है मगर ग्लोबल सोचता है, जैसे हमारे FYM के जवान जो हैं, जैसे बाइबल में अनेक किरदार ऐसे हैं जो अलग सोच रखते थे, इमेजिनेटिव थे और अलग करते थे। हालांकि हम गिनती में कम है मगर यीशु के साथ हम बहुमत है, आमेन। बाइबल में भी हम ऐसे लोग को देखते हैं जो गिनती में तो कम थे परंतु यहोवा उनके साथ था और उन्होंने अद्भुत काम करे, उन्होंने ऐसे काम करे तो अनसुना था, अनदेखा था, अमेजिंग था और अनबिलीवेबल था। चाहे वो इब्राहिम हो जो यहोवा के हुक्म को मानकर अपने इकलौते पुत्र को बलि के लिए ले जाता है, चाहे वो यहोशू हो जो यहीरो के दीवार के चारों ओर चलता है, 7 दिन बाद वो यहीरो की दीवार गिर जाती है, चाहे वो रूथ हो जो विधवा होने के बावजूद भी अपने विधवा सास के साथ अनजाने लोगों के बीच में रहने के लिए ना ही बल्कि मरने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ चली जाती है, चाहे वो मरियम हो जिसने स्वर्गदूत के संदेश पाकर विश्वास किया, या फिर वो रक्त बहाव वाली स्त्री हो जिसने यीशु के वस्त्र के छोर को स्पर्श किया। बहुत से ऐसे किरदार हैं बाइबल में हम देखते हैं जिन्होंने कुछ अलग किया। अलग करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है, अलग करेंगे तो ही कुछ अलग पाएंगे। आज हम बाइबल में से एक ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे और सीखेंगे जिसने कुछ अलग किया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया, उन्होंने कुछ अलग किया और कुछ अलग पाया। आज के संदेश का शीर्षक है अनबॉक्स योरसेल्फ। मिलता जुलता है मगर थोड़ा अलग है। हम देखेंगे अपन को क्या अनबॉक्स करना है अपनी जिंदगी से। अगर हिंदी में बोला जाए तो अपनी सीमाओं के बाहर निकलो। अपन एक किरदार को देखेंगे कि उनके सामने कौन कौन सी अवरोध या रुकावटें आई और उनके सामने जो रुकावटें आई थी उनके ऊपर कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी। अपने किरदार के बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 22 से 33 में पढ़ते हैं। मत्ती 14:22 से 33।
मैं पढ़ता हूं आपके लिए, मती 14:22-33। तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वह उससे पहले उस पार ताकि वह उससे पहले उस पार जाए, जबकि वह स्वयं ही भीड़ को विदा करने लगा। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेला था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उनके पास आया। तब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबराकर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, चला आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चित ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। ये जो घटना हमने अभी पढ़ी है, ये घटना मरकुस रचित सुसमाचार 6:45-52 में भी है और यहूना रचित सुसमाचार 6:15-21 में भी है। हमारा किरदार है पतरस। हो सकता है आपने अपने मन में सोच ही लिया होगा कि मैं आज पतरस के बारे में बोलूंगा। पतरस का किरदार ऐसा ही है जिसमें हमें अपनी झलक दिखाई देती है। आप पूछो वो कैसे? वो ऐसे कि यीशु ने पतरस से बोला, मेरे पीछे हो ले। लो जी, पतरस तो यीशु मिश्र के पीछे हो लिया, हम भी हो लिए। यीशु के पीछे होते होते जब यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया तो पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया। हम भी पतरस की तरह हैं, जहां बहाव ज्यादा है वहां अपन बह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पतरस ने इसके सारे काम ऐसे ही थे, और ऐसा नहीं है कि आपके भी सारे काम ऐसे ही होते हैं। उसने एक काम ऐसा किया जो बाइबल में किसी और ने नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह के अलावा। हाँ, पानी पे चलना। और यही तो बिल्कुल वो है जो हमारा थीम है, आउट ऑफ द बॉक्स। इस घटना में पतरस के सामने 3 रुकावटें थी और किस तरह पतरस इन 3 रुकावटों को 2 सॉल्यूशन के साथ पार करता है वो अपन देखेंगे। 3 रुकावटों में से पहली रुकावट थी डिस्टेंस, जिसको हम दूरी कहते हैं। उसके 24 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी और हवा, क्योंकि हवा विपरीत थी। ये जो अगर हम यहुन्ना के 6:19 में पढ़ें तो हम उसमें लिखा है करीब 5 या 6 किलोमीटर वो अंदर चले गए थे झील में। तूफानी हवा के कारण झील में लहरें तेज हो गई थी और हवा चल रही थी और जो थपेड़े हैं लहरों के वो उनके नाव में लग रहे थे। पतरस और उसके साथी झील के बीचों बीच थे, खतरों के बीचों बीच थे, संकट के बीचों बीच थे। आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आप ऐसे संकट के बीचों बीच हो, सेमेस्टर के बीच में हो सकता है साल के बीच में हो, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के बीच में हो, कोर्ट केस के बीच में हो, जहरीले रिश्ते के बीच में हो, कमजोर व्यापार के बीच में हो, बेरोजगारी के बीच में हो, वीराने में जहां कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। किनारे से दूर हैं आप, अपनी मंजिल से भी दूर हैं आप। बहुत बार अपन ऐसी यात्रा जब करते हैं और ऐसे ही बीच में फंस जाते हैं तो अपन सोचते हैं कि ये टाइमिंग बेकार था। हम टाइमिंग को दोष देते हैं, कभी अपने पेरेंट्स को, पास्टर्स को, या अपने पड़ोसी या दोस्त को दोष देते हैं कि तेरी वजह से मैं आज परेशानी में हूं। कभी तो अपन प्रभु को भी दोष देते हैं। आपको याद होगा इसमें किसने भेजा था इन लोगों को नाव में बैठाकर? यीशु ने। मगर हम देखते नहीं किसी ने यीशु मसीह को दोष दिया। कभी हम अपने मन में देते हैं, हो सकता है बाहर बोलते नहीं है, यीशु को या परमेश्वर को दोष देते कि तेरी वजह से, आपने बोला था इसलिए मैंने शादी करी और अब ऐसा हो गया है। दोष देते हैं जब हम
किनारे से दूर हो जाते हैं, बीच बाजार में फंस जाते हैं। बहुत बार कोई लोग किस्मत को दोष देते हैं। द फॉल्ट इन अवर स्टार्स, यंग पीपल, इट इज नॉट द फॉल्ट इन अवर स्टार्स, इट इज द एब्सेंस ऑफ सन ऑफ गॉड इन अवर लाइफ। इट इज नेवर द फॉल्ट ऑफ अवर स्टार्स, इट इज द एब्सेंस ऑफ सन ऑफ गॉड इन अवर लाइफ। किसी ने सही कहा है, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। Do not trust the print in your hands. Believe the maker of that print. कोई तो लकीरों पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि दोनों हाथों की लकीरों को जोड़ के वो ये बताते हैं कि मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होगी, एक ऐसी लड़की से होगी जो चांद का टुकड़ा होगी। सुना होगा आपने, दोनों हाथों को मिला लो, अच्छा चांद बन रहा है इसमें, तो मतलब तेरी जो वाइफ होगी ना बहुत ही सुंदर होगी। मेरे भैया जी, वो खूबसूरत अपने आप हो जाएगी अगर चांद को अपनी वाणी से बनाने वाला परमेश्वर उसके दिल में है। हालेलुया। हर सुबह अपना होरोस्कोप या फिर राशिफल देखने से जीवन नहीं बदलेगा मेरे जी प्रियजनों। अपन अपना ही नहीं, किसी और का भी राशिफल देखकर तारीख और कार्ड बना देते हैं। भैया जी, बहन जी, ये होरोस्कोप नहीं है, ये हॉरोस्कोप है। मैं भी इन सब बातों में समय बिताता था जब मैं यीशु मसीह में नहीं था, तभी मैं जानता हूं कि आप सबसे सुबह उठ के क्या देखते हो। यीशु के जानने के बाद पता चला कि मेरे को मैंने जब यीशु को जाना तब मेरे को पता चला कि हाथों की लकीरों से मेरा जीवन नहीं बदलने वाला। ये जो हाथों की लकीर है इससे मेरा जीवन बिल्कुल नहीं बदलने वाला। ये जानना जरूरी है मेरे हाथों को किसने पकड़ रखा है। आपके और मेरे हाथों को प्रियजनों यीशु ने पकड़ रखा है, तभी हम सफल होंगे, तभी हमारे जीवन में अगर हम मझधार में भी है किनारे तक ले जाएंगे। अपनी किस्मत को दोष मत दो अगर आप किनारे से दूर हैं तो। जवानों, आप चाहे कितनी भी दूर हो मगर यीशु के नेटवर्क कवरेज से बाहर कभी नहीं जा सकते। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी बड़ी आंधी का सामना कर रहे हो मगर प्रभु ने शांति के नेटवर्क के बाहर नहीं जा सकते। प्रियो, आप चाहे कितनी भी गहरी अवस्था का सामना कर रहे हो मगर यीशु उस गहरी अवस्था से भी आपको उभार सकता है। When you hit the rock bottom, you will realize that Jesus is the rock at the bottom and he will lift you up. Hallelujah! ये याद रखना, पत्रस और चेले को यीशु ने भेजा था। बहुत जरूरी है ये याद रखना, पत्रस और चेलों को यीशु ने भेजा था नाव से। अगर यीशु ने भेजा है तो वह उस पार भी लेकर जाएगा। अगर नाव पर बैठाने वाला यीशु है तो वो ही नैया पार भी करवाएगा। यीशु ने अगर बोला है तो वो करेगा भी। आप यीशु के ज्ञान के नेटवर्क के बाहर नहीं जा सकते प्रियजनों। वो जानता है आपकी अवस्था को, तभी तो भजनकार 139 में कहता है, मैं तेरी आत्मा से बचकर भागकर कहां जाऊं, कहीं नहीं जा सकते प्रियजनों। यू कैनॉट आउटरन गॉड। यू मे बी फार फ्रॉम शोर बट यू आर नॉट फार फ्रॉम द सेवियर। आप किनारे से दूर हो सकते हो मगर यीशु आपका किनारा नहीं करेगा, आपका किनारा नहीं करेगा। ही विल कम। और जो दूसरा हर्डल और जो दूसरा रुकावट पत्रस देखता है वो था दोस्त या डिसाइपल्स हु वर इन द बोट। हाँ, आपने सुना तो होगा जरूर कि हर एक दोस्त जरूरी होता है, मगर कभी कभी ये कुछ दोस्त होते हैं ना, ये रुकावट बन जाते हैं। पत्रस के सामने भी चेले थे, बोट में, नाव में थे, और भी दोस्त थे, वो भी समस्या का सामना कर रहे थे। सब लोग एक ही समस्या का सामना कर रहे थे। किसी के ऊपर ज्यादा आंधी आ रही थी या किसी के ऊपर कम आंधी आ रही थी, ऐसा नहीं था। समस्या सबके ऊपर एक समान थी मगर इसका प्रत्युत्तर अलग था। सारे चेलों में से सिर्फ पत्रस ने नाव से निकलकर पानी के ऊपर चलना चाहा। हो सकता है उसके दोस्त सोच रहे हो, अरे ये पत्रस, इसे क्या हो गया, ये पागल हो गया है, पत्रस आज फिरौन का घोड़ा बनकर पानी में डूब जाएगा। याद है ना क्या हुआ था फिरौन के घोड़े के साथ? हाँ, तो ये सोच लेंगे, यार ये पत्रस है, आज फिरौन का घोड़ा बनेगा, ये गया काम से। कभी कभी अपन सोचते हैं दोस्त बचा लेगा यार, दोस्त पैसे का जुगाड़ कर देगा यार, दोस्त पापा मम्मी से इसको समझा देगा भाई, दोस्त असाइनमेंट कर देगा,
दोस्त मेरी मदद कर देगा, मगर कभी कभी नाव से बाहर निकलने के लिए दोस्त एक रुकावट बन सकता है। कभी कभी आराधना में, प्रार्थना में आने के लिए दोस्त एक रुकावट बन सकता है। कभी कभी बाइबल पढ़ने के लिए दोस्त एक रुकावट बन सकता है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जहां पे एक पिता अपने बच्चों को कुछ सिखाता है। वो तीन बर्तन में तीन अलग अलग चीजें लेता है, एक में अंडा लेता है, एक में आलू लेता है और एक में चाय पत्ती लेता है, और तीनों को उबाल देता है। थोड़ी देर बाद देखता है आलू जो बाहर से कठोर था वो अब अंदर से नरम हो गया, अंडा जो अंदर से जो तरल था वो अब बदल गया है। आलू और अंडे के अंदर और बाहर बदलावट होता है, मगर जो चाय पत्ती थी वो जिस पानी में गिरती है अपनी खुशबू, अपने स्वाद और अपने रंग से उस पानी को ही बदल देती है। बोट में जितने चेले थे सब ने सामना, जो परेशानी थी सबका एक समान सामना किया था आंधी का। प्रियजनों, आज हम जिस परिस्थिति में हैं उसमें क्या सिर्फ हम खुद बदल रहे हैं या अपने साथ साथ अपने दोस्तों को बदल रहे हैं, अपने परिवारजनों को बदल रहे हैं, अपने पड़ोसियों को बदल रहे हैं? ये FYM का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हमारे जो जवान है वो बदलें। हम जो या YouTube हो या Facebook हो या Twitter हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो उससे जो हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि आप बदलो। दोस्तों, अगर हमारे पास नौकरी है, खाने को दाल रोटी है, उसमें से हम किसी और की हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बस हमारी वजह से हम अपना ही फायदा देख रहे हैं? जवानों, क्या आज हम अपने माँ बाप की हेल्प कर पा रहे हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, या फिर अपने सपनों की दुनिया में डूब गए हैं? हमारे जीवन में हो रहा हो बहुत सारी बातें, क्या उसकी जो आशीष है हम दूसरों को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? पत्रस के कारण उसके दोस्तों ने यीशु का नया रूप जाना। इस घटना के अंत में 14 के 33 में हम देखते हैं नाव के लोगों ने यीशु की उपासना की और कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। किसकी वजह से हुआ ये? पत्रस की वजह से हुआ। ना पत्रस जाता, ना वो चलता, ना वो ये जान पाता कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। पत्रस की वजह से उसके जो दोस्त थे वो आशीषित हुए। क्या हमारी वजह से हमारे दोस्त आशीषित हो पा रहे हैं? देखो, चाय पत्ती ने कमाल दिखा दिया। पत्रस ने अपने दोस्तों पर प्रभु यीशु के प्रभाव डाल दिया। हमें यीशु ने जगत की ज्योति और जगत का नमक कहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बल्ब जल रहे हैं। चाहे कितनी भी अंधकार हो, दुनिया भर का पूरा अंधकार लेकर आ जाओ, फिर भी इस ज्योति को आप बुझा नहीं सकते। क्या हम अपना प्रभाव अपने दोस्तों पर डाल पा रहे हैं या नहीं? पूरे कैंप का उद्देश्य प्रियजनों यही है। अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, चाहे आप जहां पे जॉब करते हैं वहां पे प्रभाव डालिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है और वो ज्योति दूसरे के ऊपर नहीं आ रही। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभाव डालें अपने दोस्तों के ऊपर यीशु मसीह का। और तीसरा जो हर्डल है या जो रुकावट है वो है माई जोन या माई बोट। आप सब जानते हैं कि पतरस एक मछुआ था। एक मछुए के लिए उसकी नाव बहुत ही प्रिय होती है। जैसे आपके लिए आपकी बाइक है, या बहनों के लिए उनका सूट है या मोबाइल है। नाव उसकी रोजी रोटी थी पतरस की। कुछ भी इरशाद करने से पहले, सुबह उठकर सबसे पहले वो देखता होगा, क्या मेरी नाव है वहां पे? हाँ, नाव है भाई, ठीक है, बढ़िया। दांत मांजते मांजते हो सकता है वो नाव के चारों तरफ चलता फिरता होगा और सोचता होगा, यार इसने मुझे बहुत बचाया है, इसने मुझे अब तक आगे चलाया है, इसने मेरे बहुत आंधियों से बचाया है। ये आंधी में डगमगाती तो है मगर डूबती नहीं है। मैं इस पर पूरा भरोसा कर सकता हूं। नाव ने उसकी आशा थी, चाहे आंधी हो के बीच में हो, नाव ही उसकी शांति थी, शक्ति थी पानी के थपेड़ों के बीच में। अगर नाव है तो हम समुद्र के राजा है, हमें कोई नहीं कुछ कर सकता। नाव है भाई, बचपन से देखा है, अब तक चलाया है, आगे भी ये नाव मेरे को चलाएगी।
अगर मेरे अच्छी नौकरी है, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, अगर मेरे पास बहुत सारे खेत है तो अच्छी खेती होगी और अच्छा अनाज होगा, मेरे पास मेरे गांव में मेरा नाम होगा, लोग मेरे को जानेंगे। मेरा नाव मेरा घर है। अगर ये नाव ने नहीं होता तो मेरा अस्तित्व नहीं होता, मैं मछुआ नहीं होता। एक बात जरूर याद रखना दोस्तों, अगर इस नाव से बाहर नहीं निकले तो ये नाव आपका घर नहीं, ये नाव आपका कब्र बन जाएगा। अपनी जोन से बाहर निकलना सीखो, अपनी जोन से बाहर निकलो तो बात बनेगी। मगर उस रात कुछ अलग हुआ। पतरस ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का सोचा ही नहीं बल्कि किया भी। बहुत बार अपन सिर्फ सोचते हैं, यही तो हम उड़ा पुत्र की कहानी से सुनते हैं। उसने सोचा, फिर भूल नहीं गया, फिर वो वापस अपने पिता की ओर, घर की ओर चला। बाइबल में लिखा है ही केम टू हिज सेंसेस, वो उसका भेजा ठीक हो गया, मतलब वो था आउट ऑफ द बॉक्स, वापस आया घर पिता के पास। पतरस ने नाव छोड़ने का निर्णय यीशु के आज्ञा सुनने के बाद किया था। ध्यान रखिए, वो ऐसा नहीं था कि मुंह उठाए चल दिया पानी से कूद दिया, ना 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 ना, परमिशन ली, अगर यीशु अगर तू ही है तो मेरे को आज्ञा दे। यीशु ने वाह आ चला, वो थी आज्ञा, चला आ। वो सुन के बस ये भाई निकल लिए। ऐसा नहीं था वो बिना किसी कॉल के या बिना किसी आज्ञा के निकला। अगर यीशु की वाणी सुन ली है तो नाव में रहना नहीं है। अगर यीशु की वाणी सुन ली है तो पुराने गलत काम है वो करना नहीं है। अगर यीशु की वाणी सुन ली है तो वो पुराने चाल चलन है वो करना नहीं है, वापस आना है, यीशु की ओर चल लेना है, क्योंकि यीशु कहता है चला आ। मैं अगर अपने नाव को छोड़ दूं तो मैं एक मछुआ नहीं, एक डूबता इंसान हो जाऊंगा। ऐसा सोचा क्या पतरस ने? मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरे नाम, मेरा काम, क्या है आपका जोन जिस पर आपको इतना घमंड है प्रियजनों? क्या है आपका जोन जिसको छोड़ने से आप मर जाएंगे? क्या है आपका जोन जिसके साथ साथ आप अपने आप से भी ज्यादा भरोसा रखते हो? क्या कोई ऐसा रिश्ता है या कोई दोस्त है? क्या आपका CIP है या बैंक बैलेंस है? क्या आपकी जमीन है या आपका फ्लैट है? कुछ भी हो सकता है आपका कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन को कन्फ्रंट कीजिए प्रियजनों, अपने कंफर्ट जोन को कन्फ्रंट करें, अपने कंफर्ट जोन को अपन एंड जोन नहीं बनाओ, अपने कंफर्ट जोन को अपनी दुनिया मत बनाओ। हालेलुया। किसी ने क्या खूब कहा है, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी जिंदगी के इंतहा और भी हैं, यहां खत्म नहीं होती प्रियजनों। यीशु मसीह में आ गए, अन्नी भाषा गा लिया, बपतिस्मा ले लिया, बस छुट्टी जी, ग्रेजुएशन हो गए, बन गए हम क्रिश्चियन। भाई जिस प्रकार एक पेड़ की ऊंचाई कभी खत्म नहीं होती, उस प्रकार एक मसीही की विश्वास में जो ऊंचाई है कभी खत्म नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि इतना काफी है तो आप अभी बेबी हैं, बच्चे हैं अभी विश्वास में। यीशु ने के प्रति आपका प्रेम कैसा है? क्या इस इंतहा में आप और मैं पास होते हैं या फिर अपने नाव पर ज्यादा भरोसा करते हैं? प्रिय दोस्तों, अगर आपको कुछ नया देखना है तो अपना नाव छोड़ना होगा। प्रियजनों, अगर आपको कुछ नया यादें बनानी हैं तो अपना नाव छोड़ना होगा। अगर आपको कुछ नया पाना है, पाना चाहते हो तो अपना नाव छोड़ना होगा। जवानों, अगर आपको और मेरे को कुछ नया अनुभव करना है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है तो डेफिनेटली अपना नाव छोड़ना होगा। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट देन यू एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ द बोट। टू गेट आउट ऑफ द बोट इज मस्ट टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स। टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स यू मस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। गेट आउट ऑफ द बोट प्रियजनों। To get out of the box, you must get out of your comfort zone. To get out of the box, you must realize that you are in a box. You can be in a box of pride. You can be in a box of sin. You can be a box of degrees. Or you can be a box of full of yourself. Leonard Ravenhill once said, he said, some church has more fashion than passion.
It is more pathetic than prophetic. It is more superficial than supernatural. Friends, if India has to see something out of the box, then the young people has not only to think out of the box, but they have to do out of the box. Hallelujah. If we do the same thing again and again, we will get the same result every time. If we want to get different result, we must do something different. Out of the box, kuch alag. और कुछ अलग सॉल्यूशंस थे इसके. दो सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूं. पहला था अनबॉक्स योर व्यू, जो हम 25 से 27वीं आयत में देखते हैं. अपनी दृष्टि को खोलें. हम देखते हैं एंड इन द फोर्थ वॉच ऑफ द नाइट जीसस केम, और वहां पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां पे आए तो जो पतरस और उसके साथी थे वो अभी भी नाव में थे और परेशान थे. चौथा पहर मतलब सुबह के करीब 3 से 6 के बीच को चौथा पहर कहा जाता है. और इस वक्त आया था यीशु मसीह. पतरस ने यीशु की वाणी सुनी और यीशु की ओर देखकर पानी पर चलने लगा. हम बहुत बार पतरस को बोलते हैं कि यार ये जो पतरस है ना, ये जल्दबाजी वाला लड़का है, बहुत जल्दबाजी करता है, बहुत उतावला है. अपन भी तो ऐसे ही हैं. आपको तो पता नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही हूँ. इसलिए मेरे को पतरस में अपनी शक्ल दिखती है. ऐसा लगता है कि पतरस तो अपना दृष्टिकोण बदल दिया था. उसने यीशु को भूत के समान नहीं देखा, बल्कि परमपिता परमेश्वर के पुत्र के समान देखा. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मरकुस के सुसमाचार में भी यह घटना है. मरकुस, जैसे हमने पहले बताया, मरकुस 6:45-56 में अपन इस घटना को देखते हैं. उसके 48वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वह उनके पास से निकलने को ही था. इंग्लिश में लिखा है टू पास बाय. यीशु मसीह उनके पास से निकलने को ही था. तो क्या यीशु उन्हें डराना चाहता था? तो क्या यीशु उन्हें कोई मैजिक दिखाना चाहता था? देखो देखो, मैं तो पानी पे चल रहा हूं और तुम पीछे पीछे परेशान हो रहे हो. क्या यीशु मसीह उन्हें प्रभावित करना चाहता था? जब चेलों ने यीशु को पानी पे चलते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यह एक भूत है. 48वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वह उनके पास से निकलने को ही था. मूल भाषा यानी यूनानी भाषा में इसको पेरारकुमाई कहा जाता है. अब ये पेरारकुमाई का मतलब क्या है? पेरारकुमाई मतलब जब परमेश्वर अपनी दिव्य उपस्थिति और शक्ति को किसी व्यक्ति के को प्रकट करता है, उस घटना को पेरारकुमाई कहते हैं. क्या ये बाइबल में कहीं और है? हाँ है. जैसे हम निर्गमन 33:22 में देखते हैं, परमेश्वर मूसा से कहता है कि मेरी महिमा उस स्थान से होकर गुजरेगी. मेरी महिमा उस स्थान से होकर गुजरेगी, वाइल माई ग्लोरी पासिस बाय. उस चट्टान की बड़ी दरार में मैं तुम्हें रखूंगा और गुजरते समय मैं तुम्हें अपने हाथ से ढकूंगा. ये यहोवा मूसा से कहता है कि मेरी महिमा उस स्थान से होकर गुजरेगी. यहोवा उसके सामने से गुजरा. पहली राजा 19:11 में अपन देखते हैं, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वह पहाड़ पर खड़ा हो, क्योंकि यहोवा अब गुजरने वाला है. गॉड इज गोइंग टू पास बाय. परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए अपने आप को प्रकट करता है, चाहे वो जलती हुई झाड़ी हो, चाहे वो आंधी हो, चाहे भूकंप हो, या पानी पे चलना हो, या अभी कोविड जैसी महामारी हो. इन सब के मध्य में परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी शक्ति, अपने दिव्य रूप को हमें दिखाता है. इसलिए जब यीशु शिष्यों के सामने आया तो उसका इरादा ये नहीं था उनको डराना. उसका इरादा ये था कि अपनी दिव्य उपस्थिति और शक्ति को प्रकट कर रहा है, और ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है ऐसा. मरकुस 6:48 में अपन पढ़ते हैं, उसने देखा कि उन्हें नाव खेनी भारी पड़ रहा है, क्योंकि हवा उसके विरुद्ध थी. फिर लिखा है, लगभग रात के चौथे पहर वह झील पर चलते हुए उनके पास आया. वह उनके पास से निकलने को ही था. इसे कहते हैं पेरारकुमाई. मरकुस 6:48, इट सेज जीसस वाज अबाउट टू पास बाय देम. हमारी वेदनाओं के मध्य में प्रियजनों, हमारी अवस्था जैसी भी हो, वो हमारे पास से निकलने को है.
हमारी बीमारी में वो हमारे पास से निकलने को है, हमारी कंगाली की अवस्था में वो हमारे पास से निकलने को है, हमारे दर्द की अवस्था में वो हमारे पास से निकलने को है, हमारे अकेलेपन की अवस्था में वो हमारे पास से निकलने को है, अपनी दिव्य उपस्थिति और शक्ति का प्रकट करने के लिए वो हमारे पास से निकलता है प्रियजनों, मगर कई बार हम उसको पहचान नहीं पाते। आपकी और मेरी जो दृष्टिकोण है उसे बदलना है, ताकि हमारी आंखें खुल जाए और हम ये जानने पाएं कि ये परमेश्वर है कौन, ये यीशु मसीह है कौन जो पानी पर भी चलता है। और इश्यू अक्सर तब आता है जब तूफान के बीचों बीच हम उम्मीद खो बैठते हैं। इश्यू सुबह 3 और 6 बजे के बीच में आया था। इश्यू मेरे और आपकी आंखें खोलता है तब जब हम सारे पैंतरे अपना लेते हैं और तब हमारे पास कोई और प्लान नहीं बचता। इशू तब आता है जब हमें लगता है कि अच्छा समय अब कभी नहीं आएगा। इशू तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे नैया पार नहीं होगी। प्रियो, आपकी दृष्टि कैसी है इशू की ओर? आप दृष्टि इशू की ओर लगाएं, वो हमसे रूबरू होना चाहता है। हमारी दृष्टि को खोलकर अपनी दिव्य शक्ति और सामर्थ हमारे सामने वो प्रकट करना चाहता है। जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है अनबॉक्स योर एक्शन, अपने कार्यों को फैलाएं। और पतरस बोलता है कि परमेश्वर अगर ये तू है तो आज्ञा दे कि मैं आना चाहता हूं। और यीशु मसीह बोलता है कि ठीक है भाई तू आ। और वो उसी पे चलता है पानी पे, और चलते चलते वो आंधी को देखता है, वो डूबने लगता है और फिर यीशु मसीह उसकी सहायता करता है। यीशु ने कहा चला आ। यीशु ने पतरस को असंभव करने के न्योता दिया। यीशु ने पतरस को असंभव करने का न्योता दिया। कम जवानों, परमेश्वर आपको न्योता देता है असंभव करने का, आपकी अपनी शक्ति में नहीं, यीशु की शक्ति में। हालांकि पतरस शारीरिक रूप से कमजोर हो गया होगा, क्योंकि पूरी रात वो लोग थपेड़े खा रहे थे, आंधी का सामना कर रहे थे, और मेंटली भी वो टॉर्चर हो गए होंगे कि अब मरे और तब मरे। और अब यीशु मसीह उसे इनविटेशन देता है, भाई तू कर। यीशु मसीह पतरस को इनविटेशन देता है ताकि पतरस अपनी कमजोरी को पहचान सके और ये जान सके कि यीशु कितना शक्तिशाली है, उसकी सामर्थ अगम्य है, उसके सामने कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। कभी कभी वो हमें असंभव करने के लिए न्योता देगा और हम फेल होंगे। यीशु हमें असंभव करने का न्योता देगा। पतरस नाव से बाहर निकला और पानी पे चला। पतरस ने अपना ध्यान यीशु से हटाकर आंधी की ओर लगाया और वो डूबने लगा। प्रियजनों, यही तो होता है जब हम गाड़ी चलाते हैं सड़क पे। देखा होगा आपने सड़क के साइड में लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। बस यही हुआ पतरस के साथ। आप तो अभी लिखा हुआ देख रहे हैं, हमने तो बाइबल में बहुत पहले देख लिया था, और इन क्या नाम मत्ती भाई ने तो पहले ही लिख दिया था। कहां है आपकी दृष्टि? डूबता हुआ पतरस क्या बोला? प्रभु मेरी रक्षा कर। भाई पीछे तेरा नाव है, भाई तेरा पीछे तेरा एक्सपीरियंस है, भाई तू तेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो रस्सी फेंक देंगे, कोई ना कोई तो बचा लेगा तेरे को, क्यों प्रभु को परेशान कर रहा है? क्योंकि उसको पता चल गया है प्रभु ही उसे बचा सकता है। प्रभु मेरी रक्षा कर। यीशु ने पतरस की रक्षा की, हाँ की। हमें लगता है कि पतरस एक फेलियर था। जो लोग नाव पे बैठे थे हो सकता है वो सोच रहे हो गया था पानी पे चलने, पता नहीं था इसको गुरुत्वाकर्षण भी कोई चीज होती है, अरे गया था बाइबल कॉलेज करने, हाँ घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहा है, गया था बिजनेस करने, दुकानें बंद हो गई है, गया था पढ़ने, और गई थी सिलाई करने, और गई थी कंप्यूटर सीखने, गई थी टेलरिंग सीखने। आपने सुना तो होगा प्रियजनों ये सारी बातें, गई थी गया था तेरा कुछ नहीं होगा। आप सबसे यीशु मसीह आज की सुबह ये कहता है, ओ अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया? क्यों संदेह किया? मैं तो हूं, मैं तो चल रहा हूं, तू तो देख रहा है, तूने तो मेरे को देखा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्यों संदेह करता है?
प्रियजनों, जो लोग नाव पे थे वो सोच रहे थे अच्छा हुआ हम नहीं गए वरना हम भी डूब जाते। प्रियजनों, असफलता एक घटना नहीं है, असफलता एक घटना का निर्णय है। फेलियर इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन इवेंट। असफलता तो वो थे, असफल तो वो थे जो नाव पे बैठकर लाइव देख रहे थे, असफल तो वो थे जो नाव में बैठकर अपने आप को कोस रहे थे, असफल तो वो थे जिन्होंने ये सुनहरा अवसर खो दिया। अगर आपको कुछ अलग करना है तो असफलता का सामना करने का जिगरा रखो। आप अपनी स्टडीज में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में असफल होंगे, मगर असफल अगर आप नहीं होंगे तो सफलता का जो स्वाद है वो कैसे चखोगे आप? असफलता ही सफलता की नींव है। आपने देखा होगा या आपने खुद ही अपने जीवन में देखा होगा, जब आप छोटे थे साइकिल चलाते थे, गिरे, सीखते सीखते गिरे, अगर आप डर के मारे घर बैठ जाते आज बाइक नहीं चलाते आप। असफल होंगे, गिरेंगे, मगर फिर उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे। जवानों, आपको यीशु के लिए और भी करना है, इस कैंप से काफी नहीं है, इस कैंप के आगे भी और करना है। आप असफल होंगे मगर थकेंगे नहीं, आप गिरेंगे तो सही मगर हार नहीं मानेंगे, ऐसे ही आप मसीह में बढ़ेंगे। अगर आपको बढ़ना है तो आपको अपने बॉक्स से बाहर निकलना होगा। अगर आपको बढ़ना है तो अपने आपके जो एडिक्शन है दारू का, तंबाकू का, या जो आप खाते हैं उसके बॉक्स से बाहर निकलना होगा। अगर आपको यीशु के लिए कुछ करना है तो आपको अपने आलस के बॉक्स से बाहर निकलना होगा। अगर आपको यीशु के लिए कुछ करना है तो आपको जो मैं नहीं कर सकता एटीट्यूड है उसके बॉक्स से बाहर निकलना होगा। अगर आपको यीशु के लिए कुछ करना है तो आपको भी पढ़ाई करनी होगी, वो जो दसवीं फेल का बॉक्स है ना उसमें से आपको बाहर निकलना होगा। ये ना सोचना भाई दसवीं कर ली, कहाँ कर ली, फेल हो गए, दसवीं में गए तो थे, फेल तो बाद की बात है, गए तो थे, ए डब्बा ठीक है, ठीक है, पैसे गिन लेते हैं, दिन गिन लेते हैं, हफ्ते गिन लेते हैं, काफ़ी है। इससे बाहर निकलो, निकल सकते हो आप, बाहर भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो, डॉक्टर, फोटोग्राफर, पढ़े लिखे पास्टर बन सकते हो। आप ये मत सोचना कि हाँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो पास्टर बन जाऊंगा। परमेश्वर अनपढ़ों को इस्तेमाल कर सकता है मगर जो अनट्रेंड है उनको इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों, बहुत बार हम अपने दिमाग को लॉक कर देते हैं और बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, हमने बहुत कोशिश कर ली मगर नहीं हो पाएगा। हम यहां पे जो दिमाग है ना अपना उसे लॉक कर देते हैं। आपको ये जान के अद्भुत होगा कि उसके पीछे पास में यीशु खड़े हैं, उसके सामने आप बोल रहे हैं लॉक हो गया है, अब ये होगा नहीं। एक घटना बताता हूं, एक जादूगर था जिसका नाम था ह्यूडनी, जिसको अपन एस्केप आर्टिस्ट बोलते हैं। ह्यूडनी कोई भी ताला किसी भी जेल का तोड़ सकता था, 2 मिनट से भी कम में कोई भी गेट वो खोल सकता था। तो एक बार उसको एक बहुत बड़े जेल में बुलाया गया और कैमरामैन वाले आए और रिपोर्टर्स आए और उनके रिश्तेदार सब लोग आए और ह्यूडनी वहां पे तैयार। उसने कहा मैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं 1 मिनट से कम में इससे बड़े बड़े दरवाजे खोले मैं खोल दूंगा। ह्यूडनी शुरू हुआ, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा हो गया, ह्यूडनी से वो दरवाजा खुला नहीं, पसीना पसीने तर हो गया मगर वो खुला नहीं। और वो हार के मारे वो उसने हार मान ली और उसने अपना जो पूरा जो वजन है वो उस दरवाजे के ऊपर रखा। जैसे ही उसका वजन उस दरवाजे के ऊपर उसने रखा, वो दरवाजा खुल गया। तभी उसको पता चला कि गेट तो लॉक था ही नहीं। तो लॉक क्या था? लॉक था उसका दिमाग। उसने ये सोच के रखा था ये तो लॉक है पहले से, इसे मैं खोलूंगा। भाई वो पहले से खुला हुआ है, उसे क्या खोलेगा तू, तो ना क्या कोई भी आके नहीं खोल सकता। आप अपने दिमाग को लॉक करके नहीं रखे प्रियजनों, यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपको बुलाता है और वो ये कहता है कि आप ये असंभव काम कर सकते हो, चला आ। यीशु आपकी लाइफ की आंधी को, तूफानी लहरों को शांत करता है, यीशु मसीह कहता है तू चला आ।
यीशु अपनी दिव्य शक्ति आपको दिखाता है और कहता है कि तू चला आ। सबसे बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स तो यीशु ने पूरी दुनिया में किया। आउट ऑफ द बॉक्स था हमारा रचाई का यीशु मसीह, जिसने हमारे जो हमारे बीच में मनुष्य का रूप धारण करके आया, वो था आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स था हमारा यीशु, जिसने पाप नहीं किया मगर हमारे लिए पाप ठहराया गया। आउट ऑफ द बॉक्स था जब यीशु ने सारे मनुष्य जाति के लिए अपना खून का आखिरी कतरा क्रूस पर बहा दिया, वो था आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स था जब यीशु 3 दिन बाद कब्र से बाहर निकल आया और वो आज भी जीवित है और युगानुयुग जीवित रहेगा। परमेश्वर यही आपका और मेरा परमेश्वर है प्रियजनों। आउट ऑफ द बॉक्स यही सुसमाचार है जो आपने अभी सुना। माय डियर फ्रेंड्स, wherever you are free from the box. You are freed from the box. You are out of the box of slavery. You are out of the box of guilt. You are out of the box of shame. You are out of the box of fear. You are out of the box of humiliation. You are out of the box of eternal death. Do you know why you are out of the box? Because Jesus is out of the tomb. यीशु मसीह कब्र से बाहर है, इसलिए आप पाप के डब्बे से बाहर आ सकते हो। हालेलुया। This his birth was out of the box, his sayings was out of the box, his life, his miracles, his crucifixion, his death, his resurrection was totally out of the box, even my dear friends. Something the human history has never imagined, something who has never talked about, that was my Jesus. Death could not hold him. Grave could not contain him. He broke the chains of death and grave to give us hope. No power is so powerful enough against you, my Jesus. No person is powerful enough against your Jesus. No plans are long-lasting enough to prosper against Jesus. He is the undisputed king of the world. He is unconquerable. He is unbeatable. And he is unbelievable. He wants you to unbox yourself. Apne seemaon ke bahar niklo, priyajano. He wants you to unbox you. Priyajano, jaise aradhana dal aap aate hain, hum jab geet gaate hain, और हमने बहुत सारी आज बातें सुनी हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और कहें परमेश्वर मैं इस एडिक्शन में बंधा हुआ हूं, मेरे को निकाल, मैं बार बार इस जहरीले रिश्ते में फंस जाती हूं, मेरे को इससे बाहर निकाल। प्रियजनों, परमेश्वर हमारे सामने हैं, वो अपनी दिव्य दृष्टि दिखाता है, अपना दिव्य शक्ति हमें दिखाता है और हमसे यूं कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चला आ। आखिरी में जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, हो सकता है आप किसी भी जगह पे हो, आप जहां भी हैं एक निर्णय लें, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, एक निर्णय लें परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं अपने बॉक्स से बाहर निकलना चाहती हूं, मैं अपने बॉक्स से बाहर निकलना चाहता हूं। परमेश्वर अपना प्रकटीकरण आपको करता है, हो सकता है उस तरीके से ना करे जिस तरह पतरस और उसके साथियों को किया था, मगर यीशु मसीह अपना प्रकटीकरण हमको इस बाइबल से दिखाता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। इस बाइबल से बताता है यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया। इस बाइबल से बताता है कि हमारे लिए यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु के बाद क्या रखा है। Jesus want to unbox your pain, unbox your feebleness, unbox your loneliness. He want to have fellowship with you. Wherever we are, can you just take a moment of surrendering to this Almighty God? He knows you wherever you are. As we sing this song, let us surrender our life to God. Thank you, Jesus.
की विलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा कोई निर्णय लिया है 30 अगस्त आज के दिन 2020 FIM वर्चुअल यूथ कैंप में कहीं ना कहीं लिखिए आप कहीं लिख नहीं सकते तो याद रखिए और हमें बताएं कि मैंने आज के दिन यह निर्णय लिया है कि मैं आज से ये रिश्ते से बाहर निकलती हूं आज से मैं ये जो एडिक्शन के जो चीज़ें हैं वो अलग करता हूँ आज से मैं पढ़ाई करने का निर्णय लेता हूँ आज से मैं यीशु मसीह के साथ नई चाल चलने के साथ एक निर्णय लेता हूँ आज मैं एक निर्णय लेता हूँ कि मैं बपतिस्मा लूँगा आज से मैं बाइबल रोज पढ़ने का निर्णय लेता हूँ कुछ भी जो आप निर्णय लेते हैं आप टेक्स्ट करके हमें बताएं कि आपने क्या निर्णय लिया है ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दे पाएं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जो पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों में हैं खास तौर से उन लोगों के लिए जो ये वचन सुन रहे हैं जिन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं आपके अपने जीवन में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका अभिषेक आपका सामर्थ उनके ऊपर बना रहे हैं उनकी दृष्टि खोल परमेश्वर उनके कार्यों को और फैला परमेश्वर ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स करने पाएं आपके लिए उन सबसे बढ़कर हम यीशु मसीह को देखते हैं जिसने सबसे बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स किया है परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए परमेश्वर हम एक एक व्यक्ति के जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं जो निर्णय लिए हैं उनके ऊपर बने रहने के लिए मदद कर परमेश्वर उनके परिवार को उनके माता पिताओं को उनके भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं उनको आशीष दे परमेश्वर उनकी कलीसियाओं को बुजुर्गों को उनके पासवानों को आपके हाथों में देते हैं उनको आप आशीष दे परमेश्वर उनके खेतों को उनके बिजनेसों को उनके जॉब को आप आशीष कर परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आने वाले दिनों में ये परमेश्वर के लिए और भी ज्यादा भागें और भी ज्यादा काम करें और भी ज्यादा फल लेकर आए असंभव को संभव करने वाला है हमारा परमेश्वर असंभव के मध्य में हमारे लिए एक मेज बनाने वाला परमेश्वर है असंभव में चलने के लिए परमेश्वर इन सारे दोस्तों को आप सामर्थ्य से इस्तेमाल करें प्रार्थना करते हैं आराधना दल को आपने इस्तेमाल किया है उनको आशीष दें प्रार्थना करते हैं यहाँ के सारे मेंबर्स हैं पास्टर को सारे टीम को और जो भी लोग FIM में जुड़े हुए हैं अलग अलग स्थानों से उन सभी को आप आशीष दें प्रार्थना करते हैं आपने हमें प्रार्थना सुना है और उत्तर भी दिया है इसलिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं सुन और ग्रहण कर पिता आमेन आमेन परमेश्वर आप सभी को आशीष दे थैंक यू एक
एक और बार हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि ये सुंदर वचन आज हमको मिला। और मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि अगर आज आपने जो भी निर्णय लिया है, अगर आप चाहते तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना में आपको याद रखेंगे। तो आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो आज के दिन के जो भी सेशन मैं आपको बताना चाहूँगी, 1 बजे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर क्रेजी चैलेंजेस आएंगे, 2 बजे हमारा फेसबुक पे और यूट्यूब पर एक सेशन होगा जिसमें स्किट होगा, वचन होगी, आराधना होगी, तो आप उसमें जुड़ना ना भूलिए। और 5 बजे यूट्यूब पर और फेसबुक पर एक पैनल होगा जहां पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था तब आपने उसमें सवाल लिखे थे, उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक सवाल नहीं दिया है और आपके मन में कुछ भी सवाल है, आपके आत्मिक जीवन से संबंधित, आपके भविष्य से संबंधित, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और जो पोस्टर्स आपको भेजे गए थे व्हाट्सएप और स्टोरीज़ के द्वारा, उसमें नीचे आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो आप उन नंबर्स पे भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप आउट ऑफ द बॉक्स 2020 व्हाट्सएप ग्रुप पर होंगे, उनमें से एडमिन में जिनू भैया है और शाइमोल आंटी है, आप उन दोनों को अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस है जो आप लाइव नहीं पूछना चाहते हैं तो आप उन पर्सनली उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए आपको जवाब हम आपको देंगे। तो आप लोग प्लीज़ जुड़ना ना भूलिए क्योंकि वो एक आशीषित सेशन होने वाला है और हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए आप जुड़ना ना भूलिएगा। हमारे साथ पास्टर पॉल है और सिस्टर क्रिस्टी है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो आप लोग प्लीज़ आज का आखिरी दिन है तो आप पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए आज के दिन का। और मैं इसी के साथ आज ख़त्म करना चाहती हूँ और हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। और एक और चीज़ है, 6:30 बजे एक लास्ट सेशन है, उसमें हमारे साथ जेमिमा रॉड्रिक्स जुड़ने वाली है, तो आप लोग जुड़िए, उनकी गवाही वो देगी और हमारे लिए वो एक आश्चित एनकरेजमेंट का कारण होने वाला, इसलिए आप उसमें जुड़ना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए। तो अब हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने 3 दिन हमें कैंप में परमेश्वर दिया और ये आखिरी दिन में तू हमें लाया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर, तूने हमें वचन से परमेश्वर भरा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। तेरी आत्मा ने हमारे दिलों में काम किया है और हमें परमेश्वर हमारे बाधाओं को छोड़कर लॉर्ड हमारे कुछ अलग करने के लिए तूने हमें चुना, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। और जब हम आगे के सेशंस में जाएंगे और आखिरी दिन हमारा ख़त्म होगा, परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि तू हमें मदद कर कि हम निर्णय ले सके परमेश्वर, कि हमने जो हमारे आसपास जो डब्बे बना रखे परमेश्वर, उसमें से बाहर निकलने के लिए तू हमें मदद कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम तेरी सहायता मांगते कि तू हमारे दिलों को और मजबूत बना, ताकि ये जो वचन हमने 3 दिन में सुने हैं और अभी आगे भी सुनेंगे परमेश्वर, उन वचनों को हमारे जीवनों में हम लागू करने वाले हो सके परमेश्वर। हम सिर के लिए धन्यवाद देते हैं जो इतना अच्छा वचन हमारे लिए लाए, सामर्थ्य वचन हमारे लिए लाए, उनको भी तू आशीष देना परमेश्वर। एक और बार हर एक चीज़ को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, आगे वाले सेशन में हमें जुड़ने के लिए तू मदद करना, खुदा हर चीज़ को तेरे हाथों में सौंपते। एक और बार ये जो दिन तूने हमें दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमेन। हम हाथ उठाकर